तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान तबाही मचा रहा है क्योंकि जवान ने कमान साथ ली है। टेलर को जनता से भर भर के प्यार मिल रहा है, वही मंजर देखने को मिल रहा है जो इसका फर्स्ट प्रीव्यू आया था एक महीना पहले। लोगों को पूरा अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो देखने को मिला था दोस्तों। कल एक और बिग इवेंट हुआ, दो बिग इवेंट हुए। पहला दिन के 12 बजे फाइनल ट्रेलर आया और उसके बाद रात को 9 बजे बुर्ज खलीफा पे जवान का ट्रेलर शानदार तरीके से चलाया गया, मतलब अमेजिंग बिल्कुल। और इंडिया के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, एक वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग पर कहाँ बड़ी बड़ी फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में अपना इवेंट चलाना चाहती हैं, इंडियन सिनेमा की मूवी कब्जा करने में सफल हो जाती है और शानदार तरीके से अपनी जीत का परचम भी लहराती है। इसी के साथ दोस्तों ट्रेलर कुछ लोगों को एवरेज भी लगा। वो इसलिए भी लगा क्योंकि इससे पहले हमने सुपर ब्लास्टर प्रीव्यू भी देख लिया है तो ट्रेलर में इतना कुछ रिवील करा नहीं गया है। लेकिन अगर देखा जाए एक विजन के साथ, एक सॉलिड विजन के साथ, कॉम्प्रोमाइजेबल विजन के साथ देखा जाए तो ट्रेलर बहुत औसम है क्योंकि स्टोरी लाइन बिल्कुल रिवील नहीं करेगी। अगर वहीं रिवील कर दिया जाएगा तो मूवी में आखिर क्या बचेगा। और जहां तक बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि यार अगर इससे ज़्यादा दिखाएंगे तो फिर मूवी का मजा ही खराब हो जाएगा क्योंकि मूवी में ही, क्योंकि ट्रेलर में ही सारा स्टोरी लाइन पता लग जाएगा। मतलब बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिक रिवील हो जाती हैं अगर ट्रेलर में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करी गई जाएगी तब। लेकिन फिर भी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें ट्रेलर में दिखाने की कोशिश करी गई हैं। दैट्स वाई कुछ लोगों को लगा कि ट्रेलर एवरेज था, इतना भी ज़बरदस्त नहीं लगा। लेकिन अगर मैं कहूँ तो भाई साहब ट्रेलर बहुत धांसुधा, ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी से इसे नवाजा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यस, क्योंकि जहाँ प्रीव्यू में इतना कुछ देखने को मिला था, एक्शन मसाले की कोई कमी नहीं थी, और जब दोबारा ट्रेलर आए तो न्यू फॉर्म में दिखा कुछ भी चीज़ें। मतलब प्रीव्यू की बहुत सी चीज़ें नहीं ली गई, सिर्फ एक एक्शन का पार्ट ही लिया गया था जो कुछ जगह पर है। हाँ, एक्शन का कुछ पार्ट प्रीव्यू में ही कवर किया गया है लेकिन औसम था। ट्रेलर बहुत शानदार है क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेलर को डिजाइन करा गया है, इतना ध्यान में रखकर किया गया है कि मूवी की स्टोरी लाइन रिवील ना हो पाए। और यस, बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि एक्चुअल स्टोरी क्या होने वाली है क्योंकि एक बार के लिए जब टकला एसआर के कह रहा है कि जब हम विलेन बनते हैं तो आग लगा देते हैं, मतलब ऐसा ही कुछ उसकी वर्डिंग थी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है बट इसी से मिलता जुलता मीनिंग है उसका भी। वहीं दूसरी तरफ विजय सेतुपति को मोस्ट डेंजरस विलेन का टैग देकर दिखाया जा रहा है तो एक्चुअल पता नहीं लग रहा है कि स्टोरी लाइन में आखिर होने क्या वाला है, कौन विलेन का असली किरदार निभाने वाला है। हाँ, यह है कि ट्रेन हाईजैक वाला पार्ट मूवी का बहुत हाईलाइटेड रहने वाला है, मेन पार्ट होगा स्टोरी का। इसी के साथ आसपास घूमती रहेगी, इसके स्टोरी पूरे आसपास घूमती रहेगी इस हाईजैक वाले सीन के। और मल्टीपल एसआर के हमें देखने को मिल रहे हैं, ये चीज़ बहुत एक्साइटमेंट खींच रही है। तो प्रीव्यू में भी ये चीज़ देखने को मिली थी और ट्रेलर में भी देखने को मिल रहा है, तो एसआर के बहुत मल्टीपल्स देखने को मिलेंगे और जब भी ये नए रोल में आएंगे फाड़ के रख देंगे। इसी के साथ अगर मैं पहले 24 घंटे के जवान हिंदी ट्रेलर के व्यूज़ बताऊं और उसके लाइक्स और कमेंट्स बताऊं तो भाई औसम आए हैं, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। जनता जिस ट्रेलर के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, चलो एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि ट्रेलर वैसे आना नहीं था क्योंकि जो प्रीव्यू था वही एक फाइनल ट्रेलर था, बट पिछले हफ्ते से, पिछले 10-12 दिन से फैंस जो लगातार मांग पे मांग करे जा रहे थे कि हमें फाइनल ट्रेलर चाहिए, फाइनल ट्रेलर चाहिए, तो एक हाईली रिक्वेस्टिंग पे ये ट्रेलर को डिजाइन कराया गया है और मैं कह रहा हूँ ऑसम तरीके से कराया गया है, बहुत ध्यान में रख के किया गया है। फैंस का दिल भी रख लिया, मूवी की लाज भी बचा ली और मूवी में क्या होने वाला है उस स्टोरी को भी रिवील ना होने दिया गया, तो उसे अप्रिसिएट भी किया गया है। जनता ने ट्रेलर को भर भर कर प्यार दिया है। हिंदी का अगर मैं बताऊँ तो लगभग 24 घंटे का, अगर मैं हिंदी का व्यूज सिनेरियो के बारे में बताऊं, लाइक्स एंड कमेंट्स का बताऊं तो लगभग 24 मिलियन व्यूज प्लस हो चुके हैं और 1.1 मिलियन प्लस लाइक्स मिल चुके हैं इसको, जवान के ट्रेलर को, जो बहुत ही शानदार कॉम्बो है व्यूज एंड लाइक सिनेरियो का। अगर इतने व्यूज आए हैं तो इतने लाइक्स मिलने चाहिए और वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल खरा उतर रहा है। और 1 लाख से ज़्यादा कॉमेंट्स मिले हैं, मतलब जनता ने भर भर के प्यार दिया है, भर भर के कॉमेंट करके एसआरके को प्यार जाहिर किया है और बहुत पॉजिटिव कॉमेंट्स मिले हैं, कोई निगेटिविटी वाले कॉमेंट्स नहीं आए हैं। तो भाई साहब मैं दिल से बताऊँ तो मुझे ट्रेलर बहुत शानदार लगा, ऑनेस्टली मुझे बहुत शानदार लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स पर, अपना एक्सपीरियंस जरूर जाहिर करेंगे, तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर फटाफट बता के जाना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।